अमन दुश्मन भारत बाज ना आया, एलओसी के कई सेक्टर्स में फायरिंग, एक जवान और पांच शहरी शहीद। पाक फौज का करारा जवाब, नौ भारतीय फौजी हलाक, दो मोर्चे तबाह। इंडियन आर्मी लाशें और जख्मी उठाने के लिए सफेद झंडा लहराने पर मजबूर। कैंप तबाह करने का भारतीय दावा, मुज़ाहका खेज़ करार। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर की शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। आलमी मीडिया को दौरे की दावत। भारतीय फौज की फायरिंग से शहरियों की शहादतों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, भारत मकबूजा कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है, तर्जुमान। मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में रैली, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के परचम थाम कर शहरियों की शिरकत, मकबूजा वादी में भारतीय तसल्लुत और मोदी के खिलाफ नारे। मियांवाली के करीब अलमनाक हादसा, ट्रेलर से टक्कर के बाद एम्बुलेंस में सिलेंडर फटने से आग लग गई, तीन खवातीन और तीन बच्चों समेत नौ अफराद जान बहक, लाशों की शनाख्त में मुश्किल। वज़ीर-ए-आज़म का आज कराची जाने का प्रोग्राम, हब में पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान की अराकीन असेंबली, पीटीआई रहनुमाओं और ताजिर बरादरी से मुलाकातें भी शेड्यूल। आजादी मार्च और धरना, हुकूमती कमेटी से बातचीत करनी है या नहीं, फैसला ऑपोजिशन की रहबर कमेटी करेगी। इस्लामाबाद में आज अहम इजलास तलब, हतमी लाहे अमल तय किया जाएगा। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम, खुर्शीद शाह को सखर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। नायब हुकाम की मजीद 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अब्दुल हफीज शेख की वॉशिंगटन में आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, पाकिस्तान मईशत की बेहतरी और इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। मुशीर खजाना क्रिस्टालीना जॉर्जिया की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती अज़्म की तारीफ। मुल्तान में महकमा फायर ब्रिगेड आखिरी सांसें लेने लगा, आग बुझाने की तरबियत लेने वाले वाटर सप्लाई और पौधों को पानी देने लगे। अहलकारों की तरक्की बंद, तनख्वाह देने की जिम्मेदारी भी कॉरपोरेशन के सपुर्द। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में अमन की कोशिश रंग लाने लगी, यूरोपीय यूनियन का भी अमरीका तालिबान मुजाकरात की बहाली पर जोर, अमरीकी वजीर दिफा भी काबुल में मौजूद। ट्रंप फौज वापस बुलाने के लिए संजीदा हैं, अमरीकी अहदेदार। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर, DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ के आजाद कश्मीर में तीन मुबैना कैंप तबाह करने का दावा मायूस कुन करार दिया और चैलेंज किया कि भारतीय सिफारतखाने को दावत देते हैं, किसी मीडिया या सफीर को ले जाकर दावों को साबित करके दिखाए। भारत पुलवामा वाके के बाद भी ऐसे झूठे दावे कर चुका है। DGISPR का भारत को खुला चैलेंज, आजाद कश्मीर में तीन मुबैना कैंप तबाह करने का दावा मुस्तरद। DGISPR में जो जनरल आसिफ गफूर ने अपनी ट्वीट में कहा है कि आजाद कश्मीर में किसी किस्म का कोई कैंप नहीं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मायूस कुन है। उन्होंने कहा भारतीय झूठे दावे अस्करी रवायात के मनाफी हैं। वो भारतीय सिफारत खाने को दावत देते हैं कि किसी मीडिया या सफीर को ले जाकर दावों को साबित करके दिखाएं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा भारतीय फौज क्यादत मुसलसल झूठ बोल रही है। भारत पुलवामा वाके के बाद भी ऐसे झूठे दावे कर चुका है। भारतीय फौज के झूठे दावे इलाकाई सलामती के लिए खतरा हैं। उनका कहना था भारतीय फौज की जानिब से ऐसे दावे दाखिली फायदे के लिए किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद मुज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय फायरिंग के नतीजे में शहीद मासूम शहरियों और पाक फौज के जवान के बुलंदी दर्जात और जख्मियों की सेहत जाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक फौज को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस को मुंह तोड़ जवाब देने और जुर्रत और बहादुरी पर सलाम भी पेश किया। कश्मीर राजा फारूक हैदर ने ट्रेनिंग कैंप तबाह करने के भारतीय दावे को मुज़ाहका खेज़ करार दिया, कहते हैं कि भारत का दावा ऐसा ही बेबुनियाद है जैसा उसने
बालाकोट का किया था। अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, हिंदुस्तान बौखला गया है, मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में सच को छुपाना नामुमकिन है। भारतीय हुकूमत और फौज को झूठ बोलने पर शर्म आनी चाहिए। शहरियों के मकानात बाजारों पर फायरिंग करके सफेद झूठ बोलते हैं कि कैंप्स को टारगेट किया। राजा फारूक हैदर ने कहा, दिफाए वतन के लिए आजाद कश्मीर के आवाम पाक फौज के शाना बशाना लड़ेंगे। दूसरी जानिब कांग्रेस रहनुमा अखिलेश सिंह ने भारतीय आर्मी चीफ के झूठ को बेनकाब कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र में इंतखाबात के मौके पर सरहद पार कार्रवाई के दावे को मोदी की सियासत करार दे दिया। इमरान खान हब में पावर प्लांट मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर हाउस में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का इजलास होगा। विफाक के ज़ेर इंतजाम कराची में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म की मजीद क्या सरगर्मियां होंगी, इसी हवाले से बता रहे हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शाहमीर खान। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है आज एक रोज़ा दौरे पे कराची पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद इमरान खान जो है वो कराची पहुंचेंगे और सबसे पहले बताया जा रहा है कि गवर्नर हाउस में एक अहम मुलाकात, एक अहम इजलास तलब किया गया है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कराची के वज़रा हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे, सिंध के वज़रा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे और अहम मुलाकात इनसे मुतवक्का है, जिसमें जिसके बाद जो है यहाँ पर जो कराची में वफाक के ज़ेर इंतज़ाम जो तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से एक ब्रीफिंग भी दी जाएगी इमरान खान को। उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है, उसमें क्या क्या काम अब तक मुकम्मल कर लिया गया है, क्या क्या काम पेंडिंग है, उस हवाले से जो है तमाम तर ब्रीफिंग दी जाएगी। उसके बाद जो इत्तेहादी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें MQM है और साथ ही GDA है, इन दोनों जमातों के जो वफूद हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से जो है मुलाकात भी करेंगे। तो मसरूफ़ दौरा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का आज का, जो कि एक रोज़ा दौरा है जो कि कराची ज़िले के हब तक फैला हुआ है और अब से कुछ ही देर बाद इमरान खान जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और गवर्नर हाउस में जो अहम इजलास जो है वहाँ से उसकी सदारत भी करेंगे। जी, और अब जिक्र मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का, जो कहते हैं कि वॉशिंगटन में IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर मालियाती इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान आलमी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े जो फाइनेंशियल अदारे हैं उनके सरबराह और उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके सामने पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है और जो स्टेबलाइजेशन का सफ़र है उसको पेश करना और उनको दावत देना पाकिस्तान आने के लिए। इस सिलसिले में हमने IMF के MD जो नई MD हुई हैं उनके साथ और डिप्टी MD के साथ मुलाकात की, वर्ल्ड बैंक के भी MD और दूसरे जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे मुलाकात की, इसमें IFC भी शामिल है। अपोजिशन की रहबर कमेटी के इजलास का वक्त एक बार फिर तब्दील कर दिया गया है। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात के बारे में फैसला किया जाएगा। रहबर कमेटी का इजलास आज रात 8 बजे इस्लामाबाद में अकरम दुरानी की रिहायशगाह पर होगा। इससे कबल इजलास मंगल की सपहर 3 बजे तलब किया गया था। रहबर कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने या ना करने के हवाले से फैसला करेगी। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान की मसरूफियात के बायस इजलास की तारीख तब्दील की गई है। उधर हुकूमत और JUIFA के मुज़ाकरात की मंसूखी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करने पर पीपल्स पार्टी ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि JUIFA मुज़ाकरात का तन्हा फैसला कैसे कर सकती है। मौलाना फजल रहमान ने नैयर बुखारी से राबते में हुकूमत से मुज़ाकरात की मंसूखी से मुतालिक आगाह किया। हुकूमत और JUIFA के मुज़ाकरात मनसूखी की अंदरूनी कहानी। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करने पर पीपल्स पार्टी नाराज। पीपल्स पार्टी का कहना है JUIFA मुज़ाकरात का तन्हा फैसला कैसे कर सकती है। मुज़ाकरात से पहले जमातों को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के नाराज होने पर मौलाना फजल रहमान ने उनको मनाने की कोशिश की और नैयर बुखारी से राबता किया, जिसमें पीपी रहनुमा ने तहफ़ुज़ात से मुतालिक सरबराह JUIFA को आगाह किया। इस दौरान फजल रहमान ने मुज़ाकरात की मनसूखी से मुतालिक नैयर बुखारी को आगाह किया। पीपी रहनुमा ने फजल रहमान का, आपको बताएं कि फजल रहमान के धरने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि आईनी गवर्नमेंट को 5 साल की मुद्दत पूरी किए बगैर खत्म नहीं किया जा सकता।
मौलाना फजल रहमान ने धरने की हिफाजत के नाम पर प्राइवेट आर्मी बना ली है। प्राइवेट आर्मी को गैर कानूनी और धरने से रोका जाए। तो आपको बताएं कि फजल रहमान के धरने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। दरख्वास्त गुजार ने मौकिफ अपनाया कि आईनी गवर्नमेंट को 5 साल की मुदत पूरी किए बगैर खत्म नहीं किया जा सकता। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज मोहम्मद अशफाक। अशफाक बताएगा दरख्वास्त गुजार का क्या कहना है। जी बिल्कुल, दरख्वास्त गुजार नदीम सरवर ने लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की है जिसमें मौकिफ इख्तियार किया गया है कि आईनी हुकूमत को 5 साल की मुद्दत पूरी किए बगैर खत्म नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान इलेक्शन हारने के बाद मदरसा इस्लाहात से बचने के लिए धरना दे रहे हैं और आईनी तरीके से हटकर गवर्नमेंट को हटाना आईन के आर्टिकल 2 और 17 की खिलाफ वर्जी है। इसके साथ साथ दरख्वास्त में ये भी नुकता उठाया गया है कि मौलाना फजल रहमान ने प्राइवेट आर्मी बनाई है, अदालत इस आर्मी को कलदम करार देकर मौलाना फजल रहमान को धरना देने से रोकने के अहकाम जारी करे। तो ये दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है जिसकी समाअत कल सुबह जस्टिस अमीर भट्टी करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। फजल रहमान के धरने से मुतालिक मुबैना तौर पर भत्ता तलब करने का इंकशाफ हुआ है। कराची से यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां JUFA के अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लांडी के मकामी रहनुमा साबिर अशरफी हनीफ सलीम नामी अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा PTI कारकुन काशिफ निज़ामी की मुदयत में दर्ज किया गया। ये मौकिफ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद में धरने के लिए 50,000 रुपये का तकाजा किया गया। FIA के मतन के मुताबिक जमीयतुल्मा इस्लाम फेक के अहदेदारों की जानिब से संगीन धमकियां भी दी जा रही हैं। इसी से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शाहमीर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर बताइएगा, संगीन इल्जामात हैं ये, मुकदमा दर्ज किया गया है, बताइएगा किस दफ़ा के तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ। जी बिल्कुल, भत्ता तलब करने की दफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद में धरने के लिए मुबैना तौर पर भत्ता मांगने का इंकशाफ हुआ है। लांडी थाना है जिसमें ये FIR दर्ज की गई है। जमीयतुल्लाह इस्लाम फे के जो 3 अहदेदार हैं, मुकामी अहदेदार साबिर अशरफी हनीफ और सलीम, इन तीनों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि काशिफ निज़ामी, जिनका ज़राए के मुताबिक ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताया जा रहा है, उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया। बोला ही गया है कि ये तीनों जो जमीयतुल्लाह इस्लाम के जो रहनुमा हैं, अहदेदार हैं, उन्होंने घर पे आके उनसे 50,000 रुपये भत्ता तलब किया और बोला कि इस्लामाबाद में धरने के लिए ये रकम आपकी जानिब से दरकार है, उसका तकाजा किया था। हम इस पूरे मामले पर काशिफ निज़ामी ने जो है लांडी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, जबकि पुलिस का यह कहना है कि FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश भी की जा रही है और गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका शामिर तफसीला।